हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैथनी आइडल दोस्तों गांधी वर्सेस गोद से ये फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा विच इज़ प्रोड्यूस एंड डायरेक्टर बाय राजकुमार संतोषी ये फिल्म का ट्रेलर तो ज़बरदस्त मज़ेदार है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाए गए अब ये फिल्म छब्बीस जनवरी को रिलीज़ हो रही है अलॉन्ग विद पठान पठान एक दिन पहले रिलीज़ हो रही है और सेकेंड ये रिलीज होने वाली है दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म अब हिस्ट्री का क्या सच चाहिए वो ये फिल्म देख के पता चलेगा गांधी और गोडसे के बीच में क्या हुआ था वाट एक्चुअली हैप्पी जो है हमने सिर्फ पढ़ा है तो इसमें दिखा जाएगा एक्चुअली ये क्या हुआ था अब ये सच है या फिक्शन है वी डोंट नो जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा लेकिन ट्रेलर एकदम ज़बरदस्त है बहुत अच्छी तरह शूट किया है जो लुक बताया है वो भी उस वक्त का आज़ादी के टाइम पर तो वो भी लुक अच्छा लग रहा है पिक्चर का और जो एक्टर्स लिए गांधी और गोट से जो एक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं रो, दोनों रोल वो ज़बरदस्त एक्टर्स है जबरदस्त लग रहे हैं गांधी जब गाय उट गांधी जी इज़ ऑल्सो सुपर द गाए प्लेट गोट से ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड तो फिल्म छब्बीस जनवरी को रिलीज हो रही है ऑफ इज एल गो एंड वॉच दिस फिल्म बिकॉज कुमार चंद्र इज अ वेरी गुड फिल्म मेकर बहुत अच्छी अच्छी फिल्म है, है सुपर हिट फिल्म में बनाई उन्होंने तो अब देखते ये फिल्म कितनी धमाकेदार बनाते हो हालांकि उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी की क्योंकि जब उन्होंने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनाई थी अजय देवन को उस उसमें भी बहुत रिसर्च किया था उन्होंने और उनको उन्हों नेशनल अवॉर्ड मिला था पिक्चर को तो अब देखते ये फिल्म में कितनी रिसर्च की है और कितनी सच्चाई है क्या ये फिल्म रिलीज़ होती है या कॉन्ट्रवर्सी तो बहुत हुई है मे बी इट माइट नॉट गेट रिलीज़ कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि ये फिल्म रिलीज ना हो कुछ लोग चाहते ये फिल्म रिलीज़ हो तो लेट्स सी अभी तो कुछ देर तो कुछ टाइम है अभी छब्बीस तारीख तक तो टाइम है लेकिन शायद फिल्म रिलीज़ ना हो बिकॉज ऑफ सम यू नो वाट अ प्रॉब्लम इन द फिल्म क्या कॉन्ट्रोवर्सी है वो आपको पता है तो उस वजह से शायद फिल्म रिलीज ना हो और हो तो भी कम सिनेमाज में होने वाली है यस इट विल नॉट बी अवज रिलीज मेरे हिसाब सी क्या होता है हो सकता है रिलीज होने, होने वक्त तक बाजी पलट जाए और शायद जो कंट्रोवर्सी है वो थोड़ी थम जाए और अच्छे से रिलीज़ हो जाए तो लोगों को देखने को मिले अच्छे से मिलेगी सभी लोगों को देखने को मिलेगी तो लेट्स सी अभी ये पठन के साथ रिलीज़ हो रही है तो पठन इज़ अ डिफरेंट फिल्म दिस इज़ अ डिफरेंट फिल्म दोनों अलग अलग फिल्म है अलग जॉनर की फिल्में हैं तो अब देखते हैं गांधी गोडसे कितना कमाल करती है कितनी सच्चाई है इस पिक्चर में अगर ट्रेलर मज़ेदार है धमाकेदार लग रहा है और जो उन गांधी और गोडसे के बीच में जो बातचीत बताई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो आज आई दिल गो एंड वॉश दिस मूवी ऑन फर्स्ट डे मैटनी शो देखते हैं क्या होता है राजकुमार सिंह संतोषी काफ़ी टाइम के बाद फिल्म बना रहे देखते कितनी मज़ेदार फिल्म बना रहे ट्वेंटी सिक्स ऑफ जैन गांधी वॉस इज सब्सक्राइब हर चैनल सब्सक्राइब हर चैनल टेलबाबाई सिंह गुड बाय बेस यू ऑल